भाग्यवश गौतम बुद्ध नगर की इस माटी में मुझे सेवा करने का मौका दिया आप सब लोगों ने। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को आपने प्रधानमंत्री बनाया और उनकी कैबिनेट में मुझे चार चार मंत्रालयों के साथ काम करने का आपने मुझे मौका दिया। मैं आपका कर्जदार हूं, आपका एहसानमंद हूं, आपका दिया हुआ ताकत है। मैं तो करीब बाप का, मास्टर का, किसान का बेटा हूं। उनकी हैसियत नहीं थी कि मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊं। कुल 40 मंत्री होते थे जो स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट के मंत्री हैं, कुल 40 होते हैं, टोटल मिला के 56 मंत्री। आपने 140 करोड़ में 40 लोगों में ले जाकर बैठा दिया, ये आपकी दी हुई ताकत है। इससे तो आदरणीय गजानंद माली जी बैठे हैं हमारे टेन न्यूज के संपादक के रूप में। साथियों, ये देश महान देश है। इस देश को महान ऐसे ही नहीं कहते हैं, ये देश वो देश है जो युद्ध नहीं चाहता, बुद्ध चाहता है। ये देश वो देश है जो राजकुमार गौतम को महात्मा बुद्ध बना देता है। ये वो देश है जो मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी बना देता है। इस देश की माटी में वो कुवत है। ये वो देश है जो गंगा जमनी तहजीब का देश है, जहां हर 150 किलोमीटर पर धर्म जाति बदल जाती है, खान पान पहनावा कपड़ा पेशा सब बदल जाता है, फिर भी 140 करोड़ देशवासियों को एक मुट्ठी में बांधे रखता है। वो ताकत है हमारी भारत की घनी संस्कृति, भारत का ये। यहाँ लोग बैठे, किसी ने किसी की जाति जानने की, धर्म जानने की कोशिश करी क्या? जब नहीं कोशिश करी तो यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये फर्क नहीं होना चाहिए। सरकारें कभी धर्म जातियों की नहीं बना करती। क्या कभी हमारे संविधान में ऐसा है कि ब्राह्मणों की सरकार होगी, जाटों की होगी, जाटवों की होगी, गुजरों की होगी? नहीं होगी, ना है ना होगी। समर्थक हम किसी पार्टी के हो सकते, किसी विचारधारा के हो सकते, कांग्रेस की सरकार होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी की होगी, बीजेपी की होगी, किसी की होगी, लेकिन जाति की सरकार नहीं होगी। हम चाहे उन्हें टैग कर दें, जो जातियों का नाम लेकर चलते हैं वो लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाते, देख लो कहां बैठ गए। मैं धन्यवाद देता हूं, मायावती जी ने दलितों के लिए काम किया।